नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे वीडियो चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे योगासन की जानकारी देने जा रही हूँ जिसका नाम है ताड़ासन। कुछ लोग इसे लॉन्ग हाइट योगा भी कहते हैं। शरीर की लंबाई अर्थात हाइट बढ़ाने के लिए यह एक उपयुक्त आसन है। यह योगासन करने से हमारा शरीर ताड़ वृक्ष की तरह मजबूत होता है, इसीलिए इसे ताड़ासन कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे पाम ट्री पोज या माउंटेन पोज भी कहा जाता है। शरीर की हाइट बढ़ाने के अलावा यह हमारे शरीर को मजबूत भी करता है। खड़े रहकर किए जाने वाले आसनों में यह आसन सर्वप्रथम है। योगा में एक षट क्रिया बताई है जो शरीर के शुद्धि के लिए की जाती है। षट क्रिया में की विधि में यह आसन प्रमुख रूप से किया जाता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले ताड़ासन करने की विधि। एक साफ सुथरी जगह पर योगा मैट बिछाकर खड़े हो जाएं। दोनों पैरों में करीब 2 से 6 इंच का फासला रखते हुए हाथ शरीर को लगे हुए सीधे खड़े हो जाएं। दोनों हाथ पार्श्व भाग से सीधा उठाएं। कंधों तक आने पर हाथों को सीधा करें। हाथों को ऊपर ले जाकर उंगलियों को आपस में मिलाएं। सांस लेते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाएं। हथेलियों की दिशा आसमान में होनी चाहिए। हाथों के साथ एड़ी को भी उठाएं। अपने शरीर का पूरा भाव पंजों पर आएगा। शरीर में ऐसा खिंचाव लाएं जैसे कोई आपके हाथों को ऊपर खींच रहा हो। शरीर का संतुलन बनाते हुए 10 से 15 सेकंड इस स्थिति में रहने की कोशिश करें। फिर सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों और एड़ियों को नीचे लाएं। फिर से ये प्रक्रिया दोहराना है। सामने गर्दन सीधी, दोनों हाथ कानों और सिर से लगे हुए। इस स्थिति में आप नॉर्मल सांस ले सकते हो। चेहरे की स्थिति सामान्य, चेहरे पर प्रसन्नता के साथ मन में एकाग्रता। इसे आप प्रतिदिन 10 से 15 बार कर सकते हैं। सामान्यतः आसनों का समय 1 से 5 मिनट का होता है। संतुलन बनाने के लिए आप आपकी नज़र किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर सकते हैं। तो यह तो हो गई ताड़ासन करने की विधि। अब हम जानते हैं ताड़ासन से हमें क्या लाभ होते हैं। ताड़ासन का मुख्य लाभ यह है कि यह आसन करने से हमारे शरीर की हाइट अच्छी होती है। बढ़ते बच्चों के लिए यह विशेष लाभकारी आसन है। खासकर जो बच्चे अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें ताड़ासन जरूर करना चाहिए। ताड़ासन करने से पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग होते हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि हम कोई आसन करते हैं तो पीठ और छाती की मांसपेशियों में तनाव कम आता है, लेकिन ताड़ासन करने से पीठ, छाती, कंधे की मांसपेशियों में अच्छी तरह तनाव आता है, जिससे उनमें मजबूती आती है। ताड़ासन करने से हाथ पैरों के ही नहीं बल्कि पूरे शरीर के स्नायु सक्रिय एवं विकसित होते हैं। पूरे शरीर में मजबूती आती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, साथ ही एकाग्रता भी बढ़ती है। ताड़ासन करने से हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है, कब्ज की समस्या दूर होती है, फ्लैट फीट की समस्या भी ताड़ासन से नहीं होती है, साथ ही साइटिका के दर्द में राहत देने के लिए भी यह आसन लाभ करता है। इसके अलावा कई महिलाओं में पीरियड की समस्या से भी ताड़ासन करने से राहत मिलती है। यह आसन रीढ़ की हड्डी में खिंचाव लाता है, जिससे मेरुदंड के सही विकास में और शरीर का पोस्चर ठीक रखने में मदद मिलती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, पीठ दर्द, गर्दन दर्द जैसे व्याधियों में यह आसन करने से राहत मिलती है। शरीर का आलस दूर करने के लिए यह आसन एक सर्वोत्तम क्रिया है। कई लोगों को ऑफिस में पूरा दिन बैठ के काम करना पड़ता है। अगर वह नियमित रूप से ताड़ासन करे तो अधिक देर बैठने के कारण जो व्याधियां होती है उनसे इनका बचाव हो सकता है। शरीर का संतुलन बनाने के लिए यह एक उपयुक्त आसन है। यह तो हो गए ताड़ासन के लाभ। अब जानते हैं ताड़ासन करते वक्त हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। वैसे तो यह एक सरल आसन है, लेकिन अगर आपको खड़े रहने में कुछ प्रॉब्लम या दिक्कत है या आपका बैलेंस जाता है तो यह आसन ना करें, अन्यथा गिरने का खतरा रहता है। गर्भावस्था में यह आसन ना करें। अगर आपका कोई ऑपरेशन हुआ है या कोई लंबी बीमारी से आप जूझ रहे हो तो यह आसन करने के पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अगर आपको लो बीपी की शिकायत है या गंभीर रूप से सिर दर्द या चक्कर आने की शिकायत है तो यह आसन ना करें। आसन करने की अवधि को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। आसन करते वक्त कोई भी दिक्कत आ रही हो तो अपने योग प्रशिक्षक, वैद्य या डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। ताड़ासन का ही एक और उप प्रकार है तिर्यक ताड़ासन। आइए अब हम इसकी जानकारी लेंगे।
मोटापा कम करने के लिए, खास तौर पे कमर के साइड का फैट कम करने के लिए, बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए और हाइट बढ़ाने के लिए यह एक उपयुक्त आसन है। तो जानते हैं तिर्यक ताड़ासन करने की विधि। तिर्यक ताड़ासन के लिए आप ताड़ासन की पूर्वावस्था में खड़े हो जाएं, पार्श्व भाग से दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, कंधे तक आने पर हथेलियों को सीधा करें, दोनों हाथों को सिर के ऊपर इंटरलॉक करें, दोनों पैरों में करीब 1 से 1.5 फीट का फासला या कंधों तक की दूरी। अब सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर तान दे, पंजे जमीन को लगे हुए रहेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए पहले दाहिने पार्श्वी भाग की ओर झुकेंगे, कोहनियाँ सीधी रहेगी, पैर भी सीधे रहेंगे। इस स्थिति में आकर आप सांसों को कुछ देर रोक सकते या सामान्य सांस ले सकते। कुछ सेकंड इस स्थिति में रहकर फिर बीच में सांस लेते हुए वापस आ जाए। फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर झुके, हाथ पूरे तने हुए रहेंगे, नज़रें सीधी सामने की ओर रहेगी। फिर वापस पूर्व स्थिति में आ जाए। यह एक चक्र हुआ। चेहरे पर सहजता, प्रसन्नता, मन में एकाग्रता रखें। अब हम जानते हैं तिर्यक ताड़ासन के लाभ। तिर्यक ताड़ासन में ताड़ासन के तो सभी लाभ मिलते ही है जो मैंने आपको अभी अभी बताए हैं। इसके अलावा इसका मुख्य लाभ यह है कि यह शरीर की कमर की साइड की चर्बी कम करने में मदद करता है, जिससे कमर पतली होती है। साथ ही यह शरीर को लचीला यानी फ्लेक्सिबल बनाता है। इसके अलावा यह आसन करने से आपके कंधों में मजबूती आती है और यह आसन करते वक्त हमारे काफ मसल्स पे अर्थात पिंडलियों पे तान आता है, जिस वजह से काफ मसल्स भी मजबूत होते हैं। यह आसन करने से आप शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलन बना रहता है। अगर आप वजन घटाना चाहते हो तो तिर्यक ताड़ासन को फास्ट करें, जैसे 15 से 20 आवर्तनों का एक राउंड। ऐसे आप 2 से 3 राउंड कर सकते हैं। इसके साथ कोनासन, त्रिकोणासन और चक्की आसन को भी जोड़ दे तो वजन घटाने के लिए यह पैकेज काफी असरकारक होगा। इस तरह शरीर की लंबाई बढ़ाने के लिए, पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग के लिए और शरीर को मजबूत करने के लिए ताड़ासन और कमर के साइड का फैट कम करके शरीर को लचीला बनाने वाले तिर्यक ताड़ासन से आप जरूर लाभ उठा सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगता है तो इसे अपने मित्र परिवार के साथ जरूर शेयर करें। स्वास्थ्य से जुड़े अन्य उपयोगी आर्टिकल पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirogikaya.com पर विजिट अवश्य करें, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक अवश्य करें। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।